बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की एक नई सुबह के साथ जो जो जहाँ से देख रहे हैं अल्लाह ताला उन्हें खुश रखे, आबाद रखे, आसानी पैदा करे और आसानी बांटने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। इसी के साथ शुरू करते हैं जी आज का व्लॉग। आज के व्लॉग में आपको मौसम का भी अंदाज़ा हो ही क्या होगा, कितना ज़बरदस्त सा मौसम, सुबह सुबह ठंडा ठंडा सा मौसम था और सफाई थी बहुत ज़्यादा, तो मैंने कहा मैं आप लोगों को दिखाऊँगी कितना साफ़ सुथरा हो गया दोबारा से हमारा स्पेन। और यहाँ पर लग रहा नहीं है कि रात को कुछ हुआ था, और जो खेमे हैं ये भी यहाँ से अभी उठा दिए जाएंगे, यहाँ से इनकी टीम्स काम कर रही थी और वापसी तक ये सब कुछ हो गया हुआ था साफ। आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है कि मेरी वीडियो को पूरा देखा करें, पूरा देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं आपसे क्या मैसेज कन्वे करना चाह रही होती हूँ, और आप मेरी वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको मैं आऊँगी पसंद, तभी आप मुझे करेंगे लाइक। पहले जी इसी के साथ शाम को हमने ये आलू के जो है वो कर लिए थे, कतले बना लिए थे और इन्हें मैंने रख लिया था पानी में से, ये इजी हो जाता है पकोड़े बनाने के लिए, तो जब फिर मैं बैटर मिक्स करूँगी और उसमें जल्दी जल्दी डिप करके फ्राई कर लूँगी। साथ ही आज मैंने बनाए थे रोल, रोल बनाने में लगती है काफ़ी मेहनत, बनती तो बहुत यमी एंड टेस्टी है लेकिन इनमें लग जाता है काफ़ी टाइम। वेल थोड़े से मैंने बना लिए थे और जो मेरा मसाला बच गया था उसे मैं यूज़ करूँगी किसी और चीज़ में, उसे मैं किसी और डिश में यूज़ करके आप लोगों के साथ वो भी करूँगी शेयर। मेरे रोल होते हैं बहुत यमी एंड टेस्टी और ये मेरे बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आ जाते हैं, तो ये हो जाता है बहुत अच्छा सा काम कि आपने कुछ बनाया तो उसकी एफर्ट इस तरह से वसूल होती है कि आपकी फैमिली उसे चिप करके खा ले। इसी के साथ जो अफ्तार का है सारा का सारा सामान बस हो ही गया था रेडी, फौरन फौरन से आयशा को सुला के करती हूँ काम ख़त्म, अफ्तार का टेबल हो गया था रेडी। और आज मैंने आप लोगों के साथ बहुत इंपॉर्टेंट सी एक बात शेयर करनी है, इसलिए मेरी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। मैंने आप लोगों को बताना है तस्बीह पढ़ने का तरीका, जो मैंने आप लोगों को प्रीवियस व्लॉग में कहा था कि मैं आप लोगों को तस्बीह पढ़ने का तरीका बताऊँगी फिंगर्स पे, तो चलें मैं आप लोगों को बताती हूँ कि कैसे पढ़नी है तस्बीह फिंगर्स पे। इस तरह से जी हमारे पास होता है ये टॉप, इसे आप लें वन, ठीक है ना, साथ हमने यू की शेप देनी है, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री, ठीक है, वन टू थ्री यू की आपने शेप देनी है ना, और ऊपर एक टॉप पे पढ़ लेना, तो ये टेन दफ़ा जो है ना, दस दफ़ा एक फिंगर पे पढ़ा जाता है, दस दफ़ा एक फिंगर पे पढ़ेंगे तो हमारा कंटिन्यूस जब हम पाँच फिंगर्स पर पढ़ेंगे 50 हो जाएगा सिंपल ईजीली। और उसके बाद दूसरे हाथ पे इसी तरह से करेंगे, यू की शेप देनी है और टॉप पे जो हमारा होता है उसे हमने कर देना एक काउंट, ठीक है ना, ये हमारे हो जाएंगे 100 दफ़ा। इस तरह हमें जितनी भी तस्बीह हाथ पढ़नी है वो हम आसानी से पढ़ लेंगे। मुझे तो ये तरीका इतना पसंद आया कि मैंने इसको अपने रेगुलर लाइफ में यूज़ करना शुरू कर दिया है, और आप लोगों को भी उम्मीद करती हूँ आया होगा पसंद, तो अगर आ गया है पसंद तो ज़रूर कर दें लाइक। लाइक करने में आप लोग बहुत करते हैं कंजूसी, कंजूसी नहीं किया करें, लाइक कर दिया करें, आपके लाइक से कुछ नहीं होता, सिर्फ मुझे हौसला अफजाई मिलती है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। वेल जैसी के साथ मेरा आज का व्लॉग हो गया ख़त्म, रमज़ान का छोटा सा व्लॉग था जो आपको आया होगा पसंद। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर भी कीजिए, बेल के आइकन को दबाएँ ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो से आप रहें अपडेटेड।